सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आपका स्मार्टफोन परचेज करने का बजट है 5 से 6 हज़ार का, तो मार्केट में आपको ऑप्शन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि अच्छे फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि रेडमी 5A हो गया, 6 हज़ार की रेंज में सबसे बढ़िया डिवाइस है। बट यहाँ पर इन्फिनिक्स ने भी अपना एक नया डिवाइस लॉन्च कर दिया जिसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 2। और आज की इस वीडियो में करेंगे इसका अनबॉक्सिंग एंड हैंड्स ऑन रिव्यू, और मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ यहाँ पर आपको फ़ोन में देखने को मिलता है, क्या कुछ अच्छी चीज़ें हैं। और साथ में यहाँ पर ब्लू कलर का मैंने ये फ़ोन मंगाया, तो आपको उसका भी आइडिया मिल जाएगा कि ब्लू कलर का यहां पर आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 का वेरिएंट कैसा देखने को मिलता है। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा इन्फिनिक्स का स्मार्ट 2 का बॉक्स, और बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने इसे परचेज करा फ्लिपकार्ट से 5999 में। 16 GB की स्टोरेज है, 2 GB की रैम देखने को मिल जाती है, और आपको यहाँ पर डिवाइस का फोटो देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है सामने से। राइट साइड में आपको स्मार्ट 2 की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड में भी स्मार्ट 2 की ब्रांडिंग है। और बैक साइड से बात करें तो कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन करे गए यहाँ पर, फेस अनलॉक वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और बॉक्स पे MRP जो है 6999 लिखी हुई है, बट ये आपको 5999 में फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। अब इसे ओपन करके देख लेते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले ओपन करते हैं तो यहाँ पर है हमारा डिवाइस। डिवाइस ब्लू कलर में मैंने मंगाया, वो कूल लग रहा है। अब इसे साइड में रख देते हैं और आपको बाकी के कंटेंट बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर है चार्जर। चार्जर की रेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कितनी है। और ये है हमारा चार्जर 5 वोल्ट 1.2 एम्पियर, मतलब एकदम से बेसिक सा चार्जर है। साथ में यहाँ पर ये इसे साइड में रख देते हैं और आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाता है। वो साइड है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्लैट टाइप का आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आपको पढ़ना है तो ये सब पढ़ सकते हो, बाकी इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ, तो ये है हमारा इन्फिनिक्स का फ़ोन। फिजिकल ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर अगर आप फ्रंट से बात करते हो तो 18:9 का 5.4 इंच का आपको HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको ईयरपीस देखने को मिल जाता है, और आपको बता दूं यहाँ पर आपको डुअल फ्लैश देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल क्लीन है। राइट साइड में आप देखोगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है, और पावर बटन में कुछ टेक्सचर करा गया है जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये फील थोड़ा अलग देता है। साथ में ये भी नीचे से ऊपर से क्लीन है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो एकदम क्लीन है। नीचे की तरफ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आपको माइक्रोफोन है, और यहाँ पर आपका माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। बैक साइड से आपको यहाँ पर 13 MP का कैमरा मिलता है, और आपको डुअल फ्लैश यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है, स्पीकर दिया गया है, साथ में यहाँ पर आपको स्मार्ट की ब्रांडिंग दी गई है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये स्पीकर पे थोड़ा उठा हुआ है, तो अगर आप फ्लैट सरफेस पे रखते हो तो आपकी जो मफल नहीं होगी आपकी यहाँ पर साउंड। अब यहाँ पर डिवाइस को बूटअप करता हूँ जब तक कि आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ये है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 2। यहाँ पर आपको मिलता है 5.45 इंच का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। साथ में यहाँ पर आपको मिल जाएगा MediaTek का 6739 का चिपसेट, जो कि आप बोल सकते हो 1.5 GHz पे क्लॉक कराया गया है। साथ में डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स ओरियो 8.1 देखने को मिलता है, और साथ में XOS पे ये रन करता है। साथ में यहाँ पर 13 MP का आपको रियर कैमरा मिलता है, फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 8 MP मिलता है। दोनों ही कैमरे में आपको डुअल फ्लैश देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर 3050 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको 2 GB रैम 16 GB स्टोरेज है, प्लस डेडिकेटेड microSD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है। अब गाइस, डिवाइस तो मैंने ऑन कर दिया हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सेट करता हूँ, थोड़ा यूज़ करता हूँ, फिर आपको यहाँ पर आगे की चीज़ें मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डाल दिया और डिवाइस को बूटअप कर दिया हूँ, और मुझे लेटेस्ट अपडेट आया था 450 MB के आसपास का, उसे भी मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। जो गूगल का सिक्योरिटी पैच वगैरह है वो आपको थोड़ा लेटेस्ट मिल जाता है। मैं यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाके बता देता हूँ एक बार।
अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, सबसे पहले तो मैं आपको स्टोरेज एक बार बता देता हूँ। स्टोरेज यहाँ पर आपको 16 GB वाला वेरियंट मैंने मंगाया हो, जब मैंने बूट अप करा था, जब ये ऑन किया था, तो यहाँ पर लगभग आपको 950 MB यहाँ पर आपको फ्री देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट 1 GB के जितना। साथ में यहाँ पर जो स्टोरेज है वो लगभग आपको 9.5 GB के आसपास देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर मैंने 2-3 गेम यहाँ पर इंस्टॉल कराओ, इसलिए ये अभी 9.5 GB बता रहा है। साथ में आपको बता दूँ, बहुत से लोग बैक पैनल का पूछ रहे थे, तो भाई बैक पैनल इसका रिमूवेबल है। मैं आपको बता देता हूँ कैसा यहाँ पर अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बैक पैनल आपका पूरा पॉलीकार्बोनेट का है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पहला सिम जाएगा, यहाँ पर दूसरा सिम जाएगा, डुअल 4G वोल्टी है, मतलब आप दोनों यहाँ पर जियो सिम चला सकते हो। साथ में यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, और नीचे आपको बैटरी जो है वो इन बिल्ड है, बैटरी आप रिमूव नहीं कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर है, और मैंने फेस अनलॉक भी यहाँ पर मैंने डाल के रखा। अब मैं आपको बताता हूँ ये कितना फास्ट है। अब मैं इसे थोड़ा घुमा देता हूँ, अपने फेस के पास लाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 0.5 सेकंड का डिले है, फिर ये अनलॉक हो जाता है। वैसे नीचे कमेंट्स में बताना कि फेस अनलॉक का टेस्ट का आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। साथ में यहाँ पर आपको मैं सिक्योरिटी पैच की जो बात कर रहा था वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने अभी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर करा हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बेसिक यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ में यहाँ पर अगर मैं अबाउट फ़ोन में जाता हूँ, तो अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हो एंड्रॉयड 8.1 देखने को मिलता है, XOS का 3.3 का वर्जन दिया हुआ है। साथ में जो सिक्योरिटी पैच है वो आपको लेटेस्ट जुलाई 5 का देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी लगा मुझे कि यहाँ पर जुलाई का आपको ये इतने बजट सेगमेंट के डिवाइस में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं साउंड क्वालिटी बता देता हूँ, साउंड डेफिनेटली यार मुझे अच्छा लगा ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से। हमारी कोई वीडियो यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, चलिए ये वाली कर लेते हैं, ये ऐड आ रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं। सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो, जैसा कि आप सुन सकते हो, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू डेकी आसन यूट्यूब चैनल। और गाइस Realme कंपनी के बारे में तो आप सभी को पता है, 3 महीना पहले यहाँ पर इंडिया में डेब्यू हुई थी कंपनी, एक ही स्मार्टफोन निकाले अपना Realme 1। ये के फोन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, 9000 11000 और 14000 की प्राइस, और पिंच टू जूम का आपको ऑफर ये देखने को मिल जाता है। कमाल के, मैं पर्सनली ये डिवाइस को यूज करता हूँ, मेरा फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट डिवाइस आप बोल सकते हो, 10000 की रेंज में है। और मैं आपको बता दूं इसका सक्सेसर कंपनी यहाँ पर 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम रहने वाला है। सो गाइज जैसे कि आपने देखा जो वीडियो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसका आपको बोल सकते हो, हाँ इतने अच्छे व्यूइंग एंगल नहीं है, बाकी आपको प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और वीडियो जो है 720p तक के आप यहाँ पर यूट्यूब पे प्ले कर सकते हो, और जो स्पीकर का जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लगा। अब कैमरा का यहाँ पर इंटरफेस आपको मैं बता देता हूँ, ये है फ्रंट फेसिंग कैमरा, बैक कैमरा बता देता हूँ, वैसे तो डिटेल कैमरा रिव्यू हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक कोई बॉक्स का, यहाँ पर हम लाइट जो इमेजेस है वो देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर फोकस करके एक इमेज ले लेता हूँ फ्लैश के साथ, तो चलिए फ्लैश के साथ हमने यहाँ पर खींचे और आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिटेलिंग है वो अच्छी निकल के आई है, तो ये इनिशियल इंप्रेशन है। यहाँ पर जो डिवाइस में जो लाइट वगैरह है बाकी की बैकग्राउंड की भी बहुत ही अच्छी आ रही है, और फ्लैश में आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी डिटेल में कैमरा रिव्यू तो हम इसका करने वाले जब आपको मैं बता दूंगा। और एक चीज़ आपको बताना था कि जो सेल्फी कैमरा है इसमें, ये तो आपका सेल्फी कैमरा यहाँ पर है ही, साथ में यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरे में बोके का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि ये प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी ब्रांड की तरफ से मुझे नहीं लगता कि मिलता होगा। तो ये डिटेल कैमरा रिव्यू में आपको सारे कैमरा के फीचर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। साथ में जो फ्रंट में आपको डुअल फ्लैश भी देखने को मिलता है, ये भी अच्छी चीज़ है। और गेमिंग रिव्यू भी हम ये डिवाइस का करने वाले हैं। अब स्टार्ट में मैं आपको सिर्फ सेंसर्स वगैरह बता देता हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी ये डिवाइस की, कि सिर्फ यहाँ पर आपको लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलता है, बाकी जायरो सेंसर वगैरह भी नहीं है, और कुछ बेसिक एक्सेलेरोमीटर सेंसर वगैरह भी आपको ये डिवाइस में देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस ये था यहाँ पर मेरा इनिशियल इंप्रेशन इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 के रिगार्डिंग। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये फ़ोन के रिगार्डिंग कौन सी वीडियो देखना है, जो भी देखना है मैं बनाने की कोशिश करूँगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो भी आपका ये डिवाइस के बारे में देखना है वो आप मुझे बता सकते हो। आई होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।